जैसा कि हम जानते हैं कि सेल जीवन की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, या हम इसे शरीर की बेसिक मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इकाई कह सकते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, उनकी संरचना, कंपोनेंट्स और उनके कार्यों के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम इसे एक उदाहरण या कहानी से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि एक आदमी एक व्यवसाय या एक कंपनी शुरू कर रहा है। वह उस कंपनी का मालिक या बॉस होगा। इसलिए उन्होंने एक बड़े हॉल की तरह जगह किराए पर ली और उसमें उन्होंने उत्पादन के लिए जरूरी मशीनें लगा दी। उसने मशीन को संचालित करने और उत्पाद को पैक करने के लिए कुछ श्रमिकों को काम पर रखा। मालिक उनके बीच होगा और श्रमिकों को निर्देश देगा, उनको काम सौंपेगा और उसे मैनेज करेगा। इस स्तर या समय पर क्या बॉस के पास उसके लिए एक अलग और बड़ा आलीशान केबिन होगा? क्या उसके पास उस कंपनी के लिए एक अलग बिजली घर होगी? क्या उसके पास एक ऑटोमेटेड और एडवांस्ड सिस्टम के साथ उत्पादन और पैकिंग इकाई होगी? उत्तर होगा नहीं। चूंकि उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की है, इसलिए उनके पास बड़े उत्पादन, पैकिंग, बिजली घर और एक ऑटोमेटेड और एडवांस्ड सिस्टम्स वाले बड़े क्षेत्र को वहन करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं होगा। इस स्तर पर उसके पास मशीनों और कुछ श्रमिकों के साथ केवल एक कमरा होगा। अब मान लीजिए कि कुछ वर्षों के बाद यह कंपनी विकसित हुई और एक बड़ी कंपनी बन गई। अब इसमें वो सारी चीजें होंगी। बॉस के पास अलग और बड़ा आलीशान केबिन होगा। उसके चारों ओर सुरक्षा के घेरे रहेंगे। कोई उससे सीधे संपर्क नहीं कर सकता। प्रत्येक कार्य के लिए एक अलग विभाग होगा जो उस काम को संभालेगा या प्रबंधित करेगा। एक अलग उत्पादन इकाई, पैकिंग इकाई और बिजली घर होगी। खाने के लिए कैंटीन होगी। ऑटोमेटेड और एडवांस्ड मशीनें होंगी। महत्वपूर्ण विभागों के आसपास सुरक्षा का घेरा रहेगा। अब कहानी की कॉन्सेप्ट को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स पर लागू करते हैं। कंपनी की तरह जब सेल प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तब उसके पास केवल एक बॉस होता है, यानी डीएनए मॉलिक्यूल, और मशीनें यानी राइबोसोम। क्या एक कंपनी की तरह इसकी एक सहायक इकाई यानी हिस्टोन प्रोटीन होगी? क्या इसका एक अलग केबिन यानी न्यूक्लियस होगा? क्या इसमें सुरक्षा की परतें होंगी यानी मेम्ब्रेन? क्या इसकी एक बिजली घर यानी माइटोकॉन्ड्रिया होगी? क्या इसमें कैंटीन यानी क्लोरोप्लास्ट होगा? क्या इसकी एक अलग पैकेजिंग इकाई यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा? क्या इसमें एडवांस्ड ऑर्गनेल्स होंगे? जवाब होगा नहीं। इसमें ऐसी चीजें नहीं होंगी। चूंकि सेल कंपनी की तरह प्रिमिटिव अवस्था में है, इसलिए इसमें ऐसे ऑर्गनेल्स नहीं होंगे। अब बड़ी और विकसित कंपनी के संदर्भ में यूकैरियोटिक सेल की चर्चा करें। एक विकसित कंपनी की तरह इसमें वे सभी उन्नत चीजें होंगी। अब बॉस के पास एक अलग चैम्बर यानी न्यूक्लियस होगा। इसके चारों ओर सुरक्षा की परतें होंगी, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर एक डबल मेम्ब्रेन। कोई भी अब सीधे डीएनए के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता है। प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग विभाग होंगे, यानी अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ऑर्गनेल्स। एक अलग उत्पादन इकाई, पैकिंग इकाई और बिजली घर यानी राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और माइटोकॉन्ड्रिया होगी। खाने के लिए कैंटीन यानी क्लोरोप्लास्ट होगी। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। वेस्ट और टॉक्सिक मटेरियल हटाने वाली इकाइयां यानी लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम होंगी। महत्वपूर्ण ऑर्गनेल्स के चारों ओर सुरक्षा का घेरा रहेगा। अब कंपनी की तरह सेल बड़ी और उन्नत हो गई है, जिसका अर्थ है कि सेल पहले से ज्यादा विकसित हो गई है। यही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, उनकी संरचना, कंपोनेंट्स और उनके कार्य के बीच का अंतर है।